अथ नवनागानाम कालपास यंत्रस्य च प्राण प्रतिष्ठा अग्नुत्तारणम च। इसके बाद अनंतादि नवनाग मूर्तियों की तथा कालपास यंत्र का अग्नुत्तारण व प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मूर्तियों पर घी का लेप करें व दुग्ध धारा उन पर इन मंत्रों से डालें। ओम समुद्रस्य त्वा वयकायाग्ने परिव्यवयामसि पावको अस्मभ्यघुं शिवो भव। हिमस्य त्वा जरायणाग्ने परिव्यवयामसि पावको अस्मभ्यघुं शिवो भव। उपज्मनुपवेतसे बतर नदी स्वः अग्ने पित्तमपामसि मंडूकिताभिरागहि सेमन्नो यज्ञ पावक वर्णघुं शिवं कृधि अपामिद नयनघुं। समुद्रस्य निवेशनम् अन्यास्ते अस्मस्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यघुं शिवो भव। अग्ने पावक रोचसा मन्द्रया देवजिह्वया आदेवान् वक्षियक्षि च सन्न पावक दिदीवोग्ने देवा यावहु उपयज्ञघुं हविश्चनः पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन् रुरुच उषसो न भानुना तुर्वन्ननया। मन्ने तस्य नूरण आयो घृणे न तत्रिषाणो अजरः नमस्ते हरसे शोचिसे नमस्ते अर्त्वक्षिजे अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यघुं शिवो भव। नृषदवेट् सुषदवेट् वरिखदवेट् वनषदवेट् स्वरविदवेट् ये देवा देवानां यज्ञायज्ञानां घुं संवत्सरीण उभागासते आहुतादो हविको यज्ञे अस्मिन् स्वयं पिबन्तु मदनो घृतस्य। ये देवा देवेश्वरि देवत्वमां मन्ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य येभ्यो नरिते पवते धाम किंचन ननते दिवो न पृथिव्या अरिष्णसु। ओम प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वारिदोदा अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यघुं शिवो भव। अब मूर्तियों को शुद्ध जल से धोकर नागपीठ पर रखें और प्राण प्रतिष्ठा करें। सर्वप्रथम विनियोग रखें। अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रारिषयः ऋगजु सामान्य छन्दांसि परा प्राण शक्तिर्देवता आम बीजम रिंग शक्ति क्रौं कीलकम आसु नागमूर्तिषु नाग कालपास यंत्रे प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग। दक्षिण हाथ के अंगूठे से मूर्तियों का और यंत्र का स्पर्श करें। ओम आं ह्रीं क्रौं यम रम लम वम शम 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 ओम ओम शम शम हम स ह्रीं ओम आं ह्रीं क्रौं आसा मूर्तिनाम प्राणा य प्राणः। ओम आं ह्रीं क्रौं यम रम लम वम शम 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 ओम ओम शम शम हम स ह्रीं ओम आं ह्रीं क्रौं आसा मूर्तिनाम जीवा यस्थितः। ओम आं ह्रीं क्रौं यम रम लम वम शम 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 ओम ओम क्षम शम हम सह ह्रीं ओम आं ह्रीं क्रौं आसाम मूर्तिनाम सर्वेन्द्रियाणि वाक मन त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाणि पाद पायुपस्थानि इहेवागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम मनो ज्योति जुगदा माजस्य बृहस्पतिरेकिमिमं तनो त्वरिष्ठं यज्ञघुं सम्मं दधातु विश्वे देवा सयमादयन्तामो प्रतिष्ठ एषवे प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन यन्ते सरमेव प्रतिष्ठितं भवति सर्वे देवताः सुप्रतिष्ठा वरदा भवत। इसके बाद नागपीठ के मध्य में अनंत नामक नाग की स्थापना करें। ओम अनंतं विप्रवर्गं च रक्त कुंकुम वर्णकं सहस्रपण संयुक्तं तं देवं प्रणमाम्यहं मध्ये अनंताय नमः। अनंतं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पूर्व में शेष नाग की स्थापना करें। विप्रवर्गम श्वेतवर्णम सहस्रफण संयुतम आवाहयाम्यहम देवम शेषम वे विश्वरूपणम पूर्वे शेषाय नमः। शेषम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आग्नेय कोण में वासुकी की स्थापना करें। क्षत्रिय वर्गम पीतवर्णम फणे सप्तशतैर्युतम युत्तमुक्तंग कायम च वासुकीं प्रणमाम्यहम आग्नेयाम वासुक्ये नमः। वासुकीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। दक्षिण में तक्षक नाम के नाग की स्थापना करें। वैश्य वर्गम नीलवर्णम फणे पंचशतैर्युतम युक्तमुत्तंग कायम च तक्षकम प्रणमाम्यहम दक्षिणे तक्षकाय नमः। तक्षकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नैऋत्य कोण में कर्कोटक नाग की स्थापना करें। शूद्र वर्गम श्वेतवर्णम सतत्रय फणैर्युतम
युक्त मुक्तंगकायं च कर्कोटं च नमाम्यहं नैऋत्ये कर्कोटकाय नमः कर्कोटकं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पश्चिम में शंखपाल नामक नाग की स्थापना करें। शंखपालं क्षत्रियं च पत्र सप्तै सतैर्भणै युक्त मुक्तंगकायं च शिरसा प्रणमाम्यहं। पश्चिमे शंखपालाय नमः शंखपालं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वायव्य कोण में नील नामक नाग की स्थापना करें। वैश्यवर्गम नीलवर्णम फणे पंचशतैर्युतम युक्त मुक्तंगकायं च तं नीलं प्रणमाम्यहं। वायव्यां नीलाय नमः नीलं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उत्तर में कम्बलक नामक नाग की स्थापना करें। कम्बलं शूद्रवर्णं च सतत्रय फणैर्युतम् आवाहयामि नागेशं प्रणमामि पुनः पुनः। उत्तरे कम्बलकाय नमः कम्बलकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ईशान कोण में महापद्म नामक नाग की स्थापना करें। वैश्यवर्गम नीलवर्णम पत्रम पंचशतैर्युतम् युक्त मुक्तंगकायं च महापद्मं नमाम्यहम्। ईशान्यां महापद्माय नमः महापद्मं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। दक्षिणे राहवे नमः राहुं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वामे केतवे नमः केतुं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ईशान्यां अमृतचरणी सहिताय मनसा देव्ये नमः मनसा देवीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाश्चरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये मामहेति च कश्चन। ॐ नवकुलनागाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ध्यानम् अनन्तपद्मपत्राद्यं फणाननेकतोज्ज्वलं दिव्याम्बरधरं देवं रत्नकुण्डलमण्डितं नानारत्नपरिक्षिप्तं मुकुटं द्युतिरञ्जितं फणामणिसहस्रोद्यैरसङ्गे पन्नगोत्तमे नानाकन्यासहस्रेण समन्तात्परिवारितं दिव्याभरणदीप्ताङ्गं दिव्यचन्दनचर्चितं कालाग्निमिव दुर्धर्षं तेजसादित्यसन्निभं ब्रह्माण्डाधारभूतं त्वां यमुनातीरवासिनं भजेऽहं दोषशान्त्यत्र पूजये कार्यसाधकम्। आगच्छ काल सर्पाख्य दोषं मम निवारय आसनार्थे अक्षतान्। ॐ नवकुलाधिपं शेषं शुभ्रकच्छपवाहनं नानारत्नसमायुक्तम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि पादयोपाद्यम् अनन्तप्रियशेषं च जगदाधारविग्रह। पाद्यं ग्रहाण भक्त्या त्वं काद्रवेय नमोऽस्तु ते पादयोपाद्यं समर्पयामि। हस्तयो अर्घ्यं काश्यपेयं महाघोरं मुनिभिर्वन्दितं प्रभो अर्घ्यं ग्रहाण सर्वज्ञ भक्त्या मां फलदायक। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं सहस्रपणरूपेण वसुधाधारक प्रभो ग्रहाणाचमनं दिव्यं पावनं च सुशीतलं। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि पयस्नानं। ॐ पयः पृथिव्यां पय औखदीघुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं। पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ततो दधिस्नानं। ॐ दधिक्राम्णौ अकारिकं विष्णौ रसस्य वाजिनः सुरभिनौ मुखात् करप्रण आयुभुं खितारिखतो। दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ततो घृतस्नानं। ॐ घृतं मिमिक्षै घृतमस्य यो निधृते श्रितौ घृतं वस्य धाम अनुखदमादयसु स्वाहा घृतं वृषभभक्षिहव्यं। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ततो मधुस्नानं। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माध्वीर्नः सन्तौखदीः मधुनक्तमुतौखसौ मधुमत्पार्थिवगुङ्रजौ मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु न। मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ततो शर्करास्नानं। ॐ अपाघुं रसमुदयसघुं सूर्ये शन्तघुं समाहितं अपाघुं रसशयो रसस्तम्भो गृणाम्यमुदयामगृहीतो सीन्द्राय त्वाजुष्टं गृणाम्येकदे योनिरिन्द्राय त्वा
कृत्वा जुष्टतमं मम शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ततो पञ्चामृत स्नानं ओम पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सोदेशे भवत्सरितः। पञ्चामृतं ग्रहाणेदं पावनं सुविसेचनं बलभद्रावतारे स क्षेमं कुरु मम प्रभो। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनः सेतः सेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये। कर्णायामाल अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं कौशेययुग्मदेवेश प्रीत्या तव मयार्पितम्। पन्नगादीश नागेन्द्र तार्क्षशत्रो नमोस्तुते। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ततो उपवस्त्रं समर्पयामि। अथ यज्ञोपवीतं सुवर्णनिर्मितं सूत्रं पीतं कण्ठोपहारकं अनेकरत्नसंयुक्तं सर्पराज नमोस्तुते। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अथ अंगपूजनम्। अब अक्षत और पुष्प लेकर नाग मूर्तियों के ऊपर चढ़ाते रहे। ओम सहस्र फण धारिणे नमः पादो पूजयामि। ओम अनंताय नमः गुल्फो पूजयामि। ओम विषदंताय नमः जंघो पूजयामि। ओम मंदगतये नमः जानुनी पूजयामि। ओम कृष्णाय नमः कटिम पूजयामि। ओम पित्रे नमः नाभिम पूजयामि। ओम श्वेताय नमः उदरम पूजयामि। ओम उरगाय नमः स्तनो पूजयामि। ओम कालिकाय नमः भुजो पूजयामि। ओम जंबुकंठाय नमः कंठम पूजयामि। ओम द्विजिह्वाय नमः मुखम पूजयामि। ओम मणिभूषणाय नमः ललाटम पूजयामि। ओम शेषाय नमः शिरम पूजयामि। ओम अनंताय नमः सर्वांगा।